हेलो, मैं आज आपको पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया मतलब शक की बीमारी इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। अब इसके साथ साथ ये जो बीमारी बढ़ती है तो फिर उसकी नींद चली जाती, फिर अपने आप बड़बड़ करते रहता, फिर उसको लगता है कि नहीं, वो जहां काम करता है कचेरी में वहां के लोग उसके खिलाफ है, वो प्लान कर रहे हैं, वो इसको मार डालेंगे, वो कंप्लेन करने वाले है, इसकी तनख्वाह रोक देने वाले है, या उसकी मतलब प्रमोशन जो है बढ़ती बढ़ोतरी रोक देने वाले है, तो बाहर जाना ना बंद कर देता है, घर में छुपके छुपके रहता है, किसी मिलेगा नहीं, उसको ऐसा डर लगे रहता है कि लोग अपने खिलाफ है और कुछ ना कुछ मुझे हो जाए, वैसा डर के मारे पीछे देखेगा और बोलेगा कोई अपना पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, और मतलब इतना डरा हुआ इंसान वो रहता है। तो खाना टाइम पे नहीं खाना, नींद नहीं लेना, समय समय पे नहाना नहीं, और एकदम ऐसा उसका उसका मतलब देखना भी जाता तो उसका बाल बड़े है, दाढ़ी बड़ी हुई है, मतलब इस तरह का ऐसा लगता है कि भाई उसको कुछ तो भी हुआ है। फिर ऐसा भूलने के लिए कभी वो व्यक्ति शराब पीना भी चालू कर देता है और शराब का आदि भी हो जाता है, क्योंकि शराब में कम से कम वो भूल जाता सब ये चीजें, तो शराब पीना चालू करेगा। कुछ लोग फिर जब उसको लगता है कि लोग अपने बारे में बातें कर रहे हैं या लोग अपने बारे में प्लान कर रहे हैं या साजिश कर रहे हैं, तो उनको झगड़ने जाता है, मारपीट कर देता है, मारपीट कर देगा, झगड़ेगा, और यदि उसको लगता है कि अपना मतलब बाजू वाला या पड़ोसी अपने घर में आके अपने औरत के साथ में संबंध रखता है तो उनसे उनसे जाके झगड़ेगा, मतलब ऐसे अलग अलग हरकतें वो करते रहता है। ये जो बीमारी है इसका इलाज है, जितना जल्दी इलाज करोगे उतना जल्दी वो अच्छा होने की संभावना है। और होता क्या है कि घर के लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ये थोड़ा शकीला है, ये शक निकल जाएगा, उसका शक दूर करने की कोशिश करते हैं, उसको समझाते हैं पर वो समझता नहीं, वो शक धीरे 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 बढ़ते 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 इतना हो जाता है कि वो डॉक्टर की तरफ भी आता नहीं। इसका इलाज जो है वो एक तो उसकी दवाइयां करना, इसमें काफी अच्छी अच्छी दवाइयां भी आई हुई है, मनोचिकित्सक के पास में जाके इसका इलाज करना, मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास में इसका इलाज करना, दवाइयां लेना, और दवाई से यदि वो दवाई लेता नहीं है उसको लगता कि नहीं दवाई भी कुछ तो भी मिला है तो दवाई मैं लूंगा नहीं, तो दवाई लेंगा नहीं तो फिर उसको कभी कभी इंजेक्शन देने पड़ेंगे, वो भी लेता नहीं है तो उसको डिस्ट्रेन करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा इंजेक्शन देके, या फिर अल्टीमेटली जब कुछ होता ही है तो शॉक ट्रीटमेंट देके, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी ECT देके इसका इलाज हम करते हैं। अब जब एक्यूट स्टेज में मतलब बहुत गंभीर अवस्था में जब ये उसका इलाज हम करते हैं तो दवाइयों से या बहुत ज्यादा रहा तो शॉक ट्रीटमेंट से इसका इलाज होता है, और एक बार वो शांत होने के बाद में जरा समझ उसको आती है फिर तो जरा विचार भी उसके शांत हो जाते हैं तो उसमें उसके साथ में हम बातचीत कर सकते, रैशनल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग से है ना, उसके साथ में रैशनल इमोटिव थेरेपी जिसको हम बोलते हैं उसके साथ में हम बातचीत कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, और वो जो सोच रहा है वो कैसा इलॉजिकल है, कैसा अवास्तविक है, ये उसको समझा के साइकोथेरेपी देके भी उसका इलाज होता है। इसमें 6 महीने से लेकर 1 साल भर तक दवाई लेना जरूरी है। ये लोग है ना पहले से ही, जैसे उनका स्वभाव जो है ना, ये पहले से उसका शकीला स्वभाव है, तो पहले से उसको लोगों ने ठप्पा मार के रखा है शकीला है, तो शकीला स्वभाव के लोगों को ये बीमारी होना ज्यादा संभव है, तो इसलिए होता है कि शकीला स्वभाव ये बीमारी ये लोगों को समझ में आती नहीं, तो थोड़ा भी उसके रेगुलर मतलब जो डेली रूटीन है रोजमर्रा की जिंदगी में उसका थोड़ा भी गड़बड़ हो रहा है, थोड़ी सी भी गड़बड़ हो रही है तो उसको मनोचिकित्सक के पास में जाके उसका इलाज करना जरूरी है, और ये पूरा अच्छी जिंदगी अपनी बिता सकता है। हमारा ऐसा मानना है कि इस तरह के लोग जो इस तरह की बीमारी जो है जिनको लोग जो इनको जो इनको बीमारी है वो अच्छी हो सकती है, उसको अच्छा करना चाहिए। और आपने जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं YouTube के ऊपर या और कहीं आप मेरा वीडियो देखते हैं तो वीडियो को ये चैनल को लाइक करो, ये चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाएंगे ये मैसेज और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इलाज करेंगे। आप मेरा फेसबुक पेज जो है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक को लाइक करो, मतलब फेसबुक फ्रेंड बनो,
यूट्यूब चैनल को लाइक करो, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी आपको अलग अलग मतलब काफी सारी जानकारी आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, और वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि हमारा जो मकसद है, हमारा जो मिशन है कि भाई हेल्थ फॉर ऑल, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, भाई हमारे देश का हर व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए और उसको मानसिक बीमारी से वो मुक्त होना चाहिए, वो हमारा मिशन है, उसमें आपका हाथ लग जाएगा और आप हमारे पार्टनर बन जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।